चल बाबा चल। नाज़रीन जैसे कि एक ग्रैंड इवेंट है और ये देखें भाई यहाँ पर जो भी है ना ये लेडीज़ एरिया पोर्शन है। सही है। अब ये देखें ये जो सर्विस आ रही है लोग लेकर आ रहे हैं ये सारा लेडीज़ के अंदर जा रहा है ना। इस वक्त खाना लेडीज़ पोर्शन के अंदर सर्व होगा। बड़ा टफ चैलेंज होता है भाई इन लोगों के लिए ये निकालना और देना। बस एक से डेढ़ घंटे का गेम होता है मगर सुपर्ब होता है भाई हर इंसान जो है ना। मैं इसमें बस मेरे लिए तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है सबको कवर करना मगर बहुत कुछ मैं देखता हूँ भाई कि वाकई में बहुत टफ चैलेंज होता है। कैटरिंग का काम हर कोई नहीं कैटरिंग वाला तो हर कोई बन जाता है मगर अच्छी सर्विस देना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ केमाड़ी की एक बहुत ही बड़ी सियासी शख्सियत मौजूद है जिनसे हम हमारी कैटरिंग सर्विस के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। आप जिस इवेंट में जाते हैं वहाँ रौनक हो जाती है। अल्लाह का करम है खास। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा सर, आपने ये खाना खाया है साबरी इवेंट्स की जानिब से, कैसा लगा आपको खाना? माशाल्लाह साबरी इवेंट की जानिब से खाना खा के बहुत लुत्फंदोज हुआ। बिरयानी भी खाई कोरमा भी खाया सही, साथ में कस्टर्ड था वो भी खाया। काफ्तान भी अच्छे थे और सबसे अच्छी बात ये कि ये हमारे यूसी चेयरमैन के बेटे की शादी है क्योंकि वो भी सियासी इंसान है। सही, सही, और सियासतदानों के साथ एक मसला ये होता है कि वो दावत अगर 1200 की देते तो 1500 से 1600 लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साबरी कैटरिंग की ये बात मुझे पसंद आई कि इतनी दावत दी थी हर इंसान के साथ दो चार लोग आए और इलेक्शन का दौर दो रहे तो हर आदमी काफी लोग ला रहे हैं साथ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन खाना कहीं कम नहीं हुआ। वेटर वक्त पे पहुंच रहे थे, वेटर वक्त पे हर चीज प्रोवाइड कर रहे थे, खाना भी था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक माशाल्लाह रात के तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम है और खाना चल रहा है और किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं हुई। बॉस ये हमारी तीसरी शिफ्ट है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा बस पूरी कोशिश हमारी टीम कर रही है तो आप इसे जरूर रिकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल साबरी इवेंट को रिकमेंड करता हूँ मैं और हमारी भी फैमिली का जब इवेंट होगा इंशाल्लाह हम भी आपको इंशाल्लाह खिदमत का मौका देंगे। बहुत सो नाइस ऑफ यू। देखें नाज़रीन ये था हमारा रिगार्ड ये है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं साबरी इवेंट्स वालों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस पूरे इवेंट को कवर करने में मुझे फुल सपोर्ट किया, मुझे स्पॉन्सरशिप दी और मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि अपने तमाम तर इवेंट्स में साबरी इवेंट्स को एक बार जरूर आजमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट जफर इकबाल और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे।
वेलकम बैक गाइस टू साबरी इवेंट्स। और आज साबरी इवेंट केपीटी हॉल में मौजूद है। एक बहुत ही खूबसूरत सी तकरीब है, तकरीबन 1500-1600 लोगों का अरेंजमेंट है ये। ठीक है, ये डबल साइड प्रोग्राम है लेडीज़ और जेंट्स। लेडीज़ का एरिया बैक साइड पे, वहाँ हम जाते नहीं, तो जेंट्स दिखाऊंगा। जेंट्स में अभी गैदरिंग स्टार्ट हुई है, बहुत ही खूबसूरत सी और बहुत ही अच्छी गैदरिंग चल रही है। ठीक है, अब ये तो एरिया आपने देख लिया, बड़ा ही पीसफुल एरिया है। अब मैं आपको लेके चलूंगा वहाँ जहाँ सारा खाने का अरेंजमेंट हुआ हुआ है ना, तो चलें वो भी एरिया आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये वो एरिया है जहाँ पर पूरा डिनर का अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सेटिंग दी गई है। ठीक है, लाइव कढ़ाई है, बिरयानी है और रोटी है, और इसके अलावा जो है दूसरे भी आइटम्स हैं। चलें फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पर बुफेट सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट सेल्फ सिस्टम है और तकरीबन सर्विस है, टेबल सर्विस चल रही है। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या क्या होता है यहाँ इवेंट में।
नाजरीन पहले ये इस तरह से सारे आइटम जमा होते हैं और फिर ये एक साथ चलती है कि बुफे सिस्टम नहीं है ना, ये डायरेक्ट सर्विस है, ये काफ़ी हार्ड भी होती है। नाजरीन ये इस वक्त इतने बड़े पंडाल में लाइव सर्विस हो रही है और ये बहुत ही कमाल की होती है, मगर ये बहुत हार्ड चैलेंज होता है बनिस्बत बुफेट के, और इसमें माशाल्लाह से आपका जो है ना खाना भी कम वेस्ट होता है, मगर ये बहुत टफ चैलेंज होता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। अच्छे वेटर्स हों, अच्छी टीम हो और ख़ासतौर पर आपके अपने घर वाले अच्छे देखभाल करने वाले हो, तभी इसमें बंदा चैलेंज देता है। नाज़रीन एक सर्विस चल चुकी है जेंट्स के, अल्हम्दुलिल्लाह जेंट्स ने खा लिया, अब लेडीज़ का स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर आप होल के उस साइड देखें तो ये लेडीज़ का सेटअप लगा हुआ है। अब दोबारा से सारी रिफिलिंग होगी इसके लिए, साकिब भाई भी हमारे अभी भी आए, एक दूसरी साइड पर थे, और अब ये जो है वो लेडीज़ का सेटअप तैयार हो रहा है, पूरा प्रिपरेशन सारी यहाँ से की जा रही है। देखेंगे ये थाल वगैरह इस तरह सजाए जाएंगे और फिर इसके बाद आगे पहुँचाए जाएंगे। लाइव कोयला कढ़ाई चल रही है इस वक्त, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है। नाज़रीन अभी ये लेडीज़ की सर्विस शुरू हो रही है, ये वहाँ खाना सर्व किया जाएगा, और देखें सारी नरिशिंग वगैरह हो रही है इसमें, सारी चीज़ें डाल के कर रहे हैं। ये लाइव कोयला कढ़ाई बन रही है, ठीक है, और वहाँ सेटअप लगा हुआ है देखें। तो अब जैसे आगे देखते हैं वो आगे रोटी सर्व हो रही है, थोड़ा सा अंधेरा है तो इतना आपको बेहतर क्लियर ना आए, और हम लोग लेडीज़ में बिल्कुल भी नहीं जाते, तो वहाँ अब चलेगी सर्विस। जेंट्स का बहुत बड़ा था सेटअप, मैंने आपको दिखाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बेहतरीन किस्म का खाया, अब यहाँ पर ये स्टार्टिंग हो रही है। गुड गुड, अच्छा कारीगर है ना भाई, देखे तीन अच्छा कारीगर है, ये रहे सुपरमैन, सुपरमैन सुपर कढ़ाई में, सुपर से भी ऊपर, ये तो हेल्पर है हमारे। नाज़रीन अभी ये जो वहाँ थाल जमा हुए थे ना पहले, देखें यहाँ बिरयानी का लगाया और यहाँ कोरमे का रखा हुआ है, ठीक है, तो अब ये सारा सर्व अंदर होना शुरू हो गया है, और हमारे जो माशाल्लाह कैटरिंग के जो मेन अहदेदार हैं देखें वो यहाँ पर सर पे खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं कि इवेंट लेकर छोड़ देते हैं, बाकायदा हर चीज़ को बारीक बिनी से वो देख रहे होते हैं। तो ये हमने आपको जेंट्स का भी दिखाया सेटअप के किस तरह यहाँ पर साबरी इवेंट्स वालों ने बेहतरीन किस्म का हाथ खींच के चलाया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज़ भी खाएंगी। तो ये है एक प्रोफेशनल ही हमारी टीम, और आपको मैं बस सिर्फ इतना कहूँगा कि आप किसी भी ऐसे नीडी इंसान को जाने जिसे एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज़र कैटर की ज़रूरत हो, तो एक छोटा सा नाम है जो बहुत बड़ा काम कर सकता है साबरी इवेंट, उसे हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन ये एक मरतबा फिर से सर्विस स्टार्ट हुई है, क्योंकि माशाल्लाह ये मैंने कहा था ना आपको भाई ग्रैंड इवेंट है, और यहाँ एक मरतबा माशाल्लाह खा चुके हैं, ये अच्छे गेस्ट हैं, ये दोबारा सर्विस स्टार्ट हुई है। और अब हमारे साकिब भाई भी यहाँ पर हैं, जब साकिब भाई यहाँ पर होते हैं तो यकीन जाने बहुत आसान हो जाता है सब, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर होती है ना बात अच्छे से टेकर, ऐसा नहीं है पूरी टीम ही अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल है साबरी वालों की, मगर जब साकिब भाई आते हैं ना एक बात ऐसी है कि बस वो फिर समझ जाएं आप, काम बेहतरीन हो जाता है। सर्विस भेजो,
नाजिन आज के इवेंट की सबसे खास बात यह है कि पहली शिफ्ट खा के जा चुकी थी, उसके बाद दूसरी शिफ्ट में खाया माशाल्लाह से, अब ये तीसरी शिफ्ट लगने जा रही है। तो देखें ये जो है साबरी इवेंट वाले, और मैं इनके साथ जब भी काम करता हूँ रोज़ाना कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। तो आज की जो सबसे खास बात थी वो तीन शिफ्टों के ऊपर थी। तो चलें अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है, मगर मुझे पता है कि इंशाल्लाह यहाँ जितने मेहमान हैं देखें खा पी कर अच्छे से ही जाएंगे। माशाल्लाह पांचवा इवेंट है मेरा इनके साथ और बहुत ही प्रोफेशनल टीम है, बस मैं आपसे इतना कहूँगा। और आपसे फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको अपना अच्छा इवेंट करवाना है, आपके पास कोई अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़र नहीं है, कोई कैटरिंग वाला अच्छा नहीं है, कोई समझदार आपको कैटरिंग वाला चाहिए जो आपको अच्छा मशवरा दे और आपके इतने बड़े खर्चे को कम खर्च में ले आए, तो साबरी इवेंट को अपने यादगार तकरीबात में ज़रूर याद रखें। थैंक यू सो मच। नाजिन जैसे कि मैंने आपने तीसरी शिफ्ट का जिक्र किया था, देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से ये मेला फिर से सज गया है और फिर से हमारी सर्विस स्टार्ट होने जा रही है। और ये ले भाई आ गए हमारे वेटर्स मैदान में, फिर से एक मरतबा सिलसिला जारी है बेहतरीन खाने का, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और एक बहुत ही अच्छी अच्छी माशाल्लाह बड़ी बड़ी शख्सियत भी आई हुई हैं, तो उनका इंटरव्यू की कोशिश करेंगे, उनके भी कुछ अल्फाज हमारे खाने के बारे में आपको बताया जाए कि कैसा आज का फूड लगा उन्हें। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई। वालेकुम सलाम। साकिब भाई सबसे पहले आपको सल्यूट हो। आप पूछो क्यों मैंने आपको सल्यूट किया। भाई आपने क्यों सल्यूट किया। भाई दो प्रोग्राम माशाल्लाह, एक के में हॉल वाला और अपना केपीटी हॉल वाला जो भी हम निपटा गया है, और दूसरा हुमा लोन वाला। अब पहले मुझे ये बताएं कि केपीटी हॉल में कितने लोगों को हमने खाना खिलाया। 2000 बंदों को खाना खिलाया। 2000 बंदों को खिलाया माशाल्लाह। यहाँ कितने बंदों को खिलाया। यहाँ 700 बंदों को। भाई तो माशाल्लाह ये कैसे कर लेते हैं आप साकिब भाई, और माशाल्लाह अभी भी आप फ्रेश हैं, किस तरह होता है थोड़ा सा सीक्रेट तो बताओ हमें। भाई हो जाता है बस अल्लाह का करम है। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा साकिब भाई मैं एक बात ही जानना चाहता हूँ कि देखिये हम तो अभी तक जो ये काम कर रहे हैं, पांचवा इवेंट है ना हमारा, हम इवेंट ऑर्गेनाइजर के हवाले से लोगों को बातें बताते रहते हैं। आजकल मैंने एक ट्रेंड सुना है यार हमारा शादी में खाना चोरी हो गया, वो खाना लेके चले गए मेहमान जाते, तो ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। खाना चोरी होता नहीं है, ये अपने गेटर्स के अपने हाथ में होता है। अच्छा अच्छा सही, बाकी इसमें कोई वे नहीं है। लोग बोलते हैं होल वालों ने चोरी कर लिया, फलानों ने चोरी कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी ये गेटर्स के अपने हाथ में होता है। अपने हाथ में होता है, जो अगर प्रोफेशनल होंगे वो देख के, प्रोफेशनल लोग वो चला लेगा, किस तरह चलाना है, किस तरह चलाना है, रोकना है हाथ, इसी तरह ना जी। अब माशाल्लाह ये जो हमने अभी केवाड़ी वाला किया, केपीटी वाला, ये कौन सी बिरादरी थी। पख्तून बिरादरी थी ये भी माशाल्लाह। यहाँ पे सब लोगों ने तीन शिफ्टों में खाना खिलाया और अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये अपनी मेहमान बिरादरी का है जी। यानी आप स्पेशल किसके अंदर है, यानी कोई स्पेशलिटी हो कि आप इस बिरादरी को। हम हर बिरादरी को स्पेशल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। नाजरीन देखिए इनके हवाले से मैं साकिब भाई के हवाले से कोई तारुफ नहीं दूंगा आपको, बस मैं इतना कहूंगा कि एक मरतबा इनको जरूर आजमाएं। थैंक यू सो मच साकिब भाई। साकिब भाई साकिब भाई आज का हमारा मेन्यू क्या है। आज का मेन्यू हुमा लोन का है, स्टार्टर में हॉट एंड सोर सूप एंड क्रैकर है। अच्छा ठीक है। और मेन कोर्स में बीफ बिरयानी, ठीक है, चिकन व्हाइट कढ़ाई कोयला, ठीक है, चिकन राजस्थानी टिक्का, ठीक है, चपली कबाब पिशावरी, ठीक है, नान ताफ्तान कुलचा, ठीक है, डिजर्ट में गाजर का हलवा और आइसक्रीम। डिजर्ट में गाजर का हलवा आइसक्रीम, यही हमारा टोटल। और इसमें बीवरेजेस में टी और ग्रीन टी। साकिब भाई आज का हमारा क्या मेन्यू है। आज का मेन्यू है, ये पख्तून बिरादरी का काम है, टेबल सिटिंग मेन्यू इसका, ठीक है। इसमें है बीफ बिरयानी, ठीक है, चिकन कोयला कढ़ाई, ठीक है, नान ताफ्तान, ठीक है, और लबेशीरी। अभी हम दूसरी साइड पे मौजूद हैं जो कि हुमा लोन में है, और यहाँ के जो होस्ट हैं उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है, ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है माशाल्लाह साबरी इवेंट ये दूसरी साइड कर रहा है। अच्छा। शायद आपके इल्म में होगा, आज माशाल्लाह दो प्रोग्राम थे साबरी इवेंट के, एक हमारा केवाड़ी में था पख्तून बिरादरी का, और एक आप लोग का माशाल्लाह। अब ये बताए सर टू बी ऑनेस्ट कि आप लोग यहाँ पे जो खाने पीने के इंतजाम थे वो आपको पहले कैसे लगे। नहीं अच्छे थे माशाल्लाह। अच्छे, यानी कि नॉर्मली कुछ इसके अंदर ऐसी कोई चीज की कमी पेशी हो गई हो। नहीं नहीं, नहीं बेहतरीन रहा, बेहतरीन रहा ना, जबरदस्त माशाल्लाह। देखें इतने चैलेंजेस के बाद साबरी इवेंट ये कर रहा है, और आपका कितने टाइम से साथ है साबरी इवेंट के साथ। काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया ना, काफी टाइम हो गया। इसकी इनकी दावतें खाते हुए आ रहे हैं, इनकी दावतें खाते हुए आज आपने इनको ट्राई किया है। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट है, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके अंदर एक चीज बहुत अच्छी है कि ये आइडिया अच्छा देते हैं। जैसे एक मिसाल है, आप एक नॉन देखा, आपकी फील्ड कुछ और होगी, आपको कैटरिंग का नो हाउ, कोई एक्सपीरियंस नहीं कि कितना लगेगा, क्या देना चाहिए, मौसम के हिसाब से क्या है, तो ये आपको अच्छा गाइड भी किया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, हमने इनके ऊपर ही छोड़ दिया। बिल्कुल इनके ऊपर छोड़ दिया भाई, हमारी दावत है, आपने अरेंज करना है और बेहतरीन करना है। अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन हुआ, बेहतरीन काम हुआ ना। तो नाजरीन देखें ये है साबरी इवेंट का सासा, ये माशाल्लाह हमारे भाई है, ये जेन्युइन रिव्यू है, कोई खुदा ना खास्ता सी बात नहीं। तो बस हम भी ये चाहते हैं कि अगर आपको अपने इवेंट के लिए एक अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर की जरूरत है तो आपकी तलाश खत्म हुई, साबरी इवेंट क्यों।
ठीक है ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बिल्कुल इनको मौका दें। हाँ, इंशाल्लाह ताला मुतमईन हो जाएंगे आप। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज है, ठीक ठाक है? हाँ सही। आज भाई इतना मजे का आपने खाना खाया, सबसे पहले तो ये बताएंगे आज का मेन्यू क्या था? आज का मेन्यू था बिरयानी, ठीक है, चपली कबाब, ऑफिस के बाद हलवा, हलवा गाजर का हलवा, सालन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद नान, ठीक है बस। आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा, आपने सबसे ज्यादा क्या खाया ये बताएं? मैं सबसे ज्यादा बिरयानी खाई और चिकन खाया बस, और शायद गाजर हलवा आइसक्रीम। चले माशाल्लाह, ठीक है, तो यानी कि फिर दोबारा आप ये टेस्ट आजमाना चाहेंगे? देखूंगा। चले एक बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आपको है ना कुछ मार्क्स बताता हूँ, ठीक है? ये मार्क्स आपको देने साबरी इवेंट्स को, 10 में से कितने देंगे? टू बी ऑनेस्ट 10 में से मैं 9 दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। जब पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो लाजमी बनता है, मुझे बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, और आप भी मज़ीद किसी अच्छे टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, आपसे तो अब मुलाकात होती रहेगी, फिर मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।